महंगे गोल्ड को देखकर अगर आप भी शादी ब्याह या इन्वेस्टमेंट के लिए सोना नहीं खरीद पा रहे थे तो बजट 2024 ने आपको बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का यूनियन बजट पेश करते हुए गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती का ऐलान किया है और इस वजह से सोने और सोने से बने गहनों की कीमतें कम हो गई हैं। कस्टम ड्यूटी घटने का गोल्ड के प्राइसेस पर कितना असर पड़ा है और सोने की कीमत अभी क्या चल रही है? क्या ये सस्ते में सोना खरीदने का सही समय है? अगर आप अभी सोना खरीदने का मौका चूकते हैं तो क्यों आपको पछताना पड़ सकता है, जानिए मेरे साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% करने का ऐलान किया। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी में 9% की ये कमी आ गई है। पहले गोल्ड पर ओवरऑल 15% ड्यूटी लगती थी और इसी तरह चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% पर ले आया गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी इब्जा के मुताबिक कस्टम ड्यूटी में जो ये कट हुआ है इससे सोने के मौजूदा भाव के हिसाब से 5900 रुपए के बराबर है। इसका मतलब है कि सोना करीब 6000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। इसी तरह चांदी की कीमत में 7600 रुपए प्रति किलोग्राम तक की कमी आ सकती है। बजट के इस ऐलान का असर तुरंत ही बाजार पर भी दिखने लगा। MCX पर सोने की कीमतों में लगातार 3 दिन से हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं। 25 जुलाई के शुरुआती कारोबार में MCX पर सोना करीब 2% के नुकसान में था और 1330 रुपए गिरकर 67617 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। 23 जुलाई यानी बजट वाले दिन सोना 5% से ज्यादा गिरा और बजट से पहले 72,000 से ऊपर चल रहा सोना गुरुवार को सीधा 68,000 रुपए से नीचे कारोबार करने लगा। गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो इब्जा के मुताबिक 25 जुलाई को 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की खुदरा कीमत 6,654 रुपए ग्राम यानी 66,540 रुपए प्रति 10 ग्राम तय की गई। इसी तरह 20 कैरेट वाली ज्वेलरी का भाव 6,068 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट ज्वेलरी का खुदरा भाव 5,522 रुपए प्रति ग्राम रहा। बजट पेश होने से एक दिन पहले यानी 22 जुलाई की खुदरा कीमतों पर नजर डालें तो 22 कैरेट ज्वेलरी की कीमत 7,125 रुपए प्रति ग्राम और 20 कैरेट वाली गोल्ड ज्वेलरी 6,498 रुपए और 18 कैरेट वाली ज्वेलरी का भाव 5,913 रुपए प्रति ग्राम थी और इन रेट्स में GST और मेकिंग चार्जेस शामिल हमने नहीं किए हैं। इस तरह सोने के भाव अभी तक करीब 5,000 रुपए तक टूट चुके हैं और इसमें थोड़ी बहुत गिरावट अभी और आ सकती है। गोल्ड मार्केट के जानकार मानते हैं कि सोना खरीदने का ये सबसे सही समय है क्योंकि उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में सोने के दाम बढ़ भी सकते हैं। इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि कस्टम ड्यूटी में इतनी बड़ी कटौती की उम्मीद नहीं थी। हालांकि बाजार को इस बात का डर सता रहा था कि GST काउंसिल की मीटिंग में गोल्ड पर GST को 3% से बढ़ाकर 12% ना कर दिया जाए। उनकी राय है कि जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए ये सबसे अच्छा समय है। बता दें कि GST काउंसिल की बैठक अगस्त में हो सकती है और सोना खरीदने की अगर आपको चाह है तो केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया की क्या सलाह है उसे भी जान लेते हैं। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि खाली बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया क्योंकि ये माना जाता है कि सोना जो इंपोर्ट हो रहा है वो कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, वो घरों में बंद है, जिसके चलते अब तक हमने कोई एक्शन 10 सालों में देखा नहीं। बट इस बार सरप्राइज टू ऑल बिकॉज जो CAD के फिगर्स थे वहां से एक अटकलें लग गई थी कि ऐसा कुछ आ सकता है, बट ये कंफर्मेशन नहीं थी इतना बड़ा कोई स्टेप लिया जाएगा जहां पे बेसिक ड्यूटी 5% कर दी जाएगी, AIDC भी 1% करके कुल मिला के 6% आपकी ड्यूटी हो जाएगी नेट। लेकिन आज हम देखते हैं MCX पे अगर हम गोल्ड के भाव देखें तो लगभग 5.5% की गिरावट या हम बोल सकते हैं ड्यूटी एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोने में आगे तेजी नहीं रहेगी। जिस ढंग से हम US में रेट कटौती सितंबर से देखेंगे ये एक बड़ा बिग ब्लो रहेगा जो सोने और चांदी को सपोर्ट करेगा। तो टेम्पररी आज की जो गिरावट है ये एक लेने का मौका है इन्वेस्टर्स के लिए और जिनके घरों में शादी ब्याह है तो आज एक अच्छा मौका है। जहां पे 6% का हम फॉल देख रहे हैं तो एक सस्ता मिल रहा है, मुझे लगता है कि एक सोने चांदी पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। लेके तो कुल मिलाकर यही समझ में आ रहा है कि अगर आप शादी ब्याह या निवेश के लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये आपके लिए फिजिकल गोल्ड की बाइंग का सबसे अच्छा समय है। इससे पहले कि रेट फिर बढ़ना शुरू हो जाए बेहतर होगा कि आप जल्दी से डिसाइड करें और गोल्ड खरीद लें, वरना बाद में पछताते रह जाएंगे।